जिने आपल्या अदाकारीने आपला काळ गाजवला ती सुपरस्टार ॲक्ट्रेस आशा पारेख आपल्या बरोबर आहे. आपण तिच्याशी बातचीत करूया. आज आपने ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, इस मोड़ पे पीछे मुड़ के देखती है तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो कुछ मैंने हासिल किया है वो खुशी देती है. ऐसे नहीं है कि सब कुछ खुश खुशी लिखा है, जो बुरे दिन थे वो भी लिखा है उसमें. तो आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा क्या है किताब में. आपको फैंस को इस किताब में क्या मिलेगा, क्या मिस्ट्री आपकी लाइफ की, क्या सक्सेस फेलियर? लोगों को ये लगता है कि मैं सिर्फ एक फिल्म स्टार हूँ, बट वो नहीं है. उसके पीछे बहुत कुछ मैंने काम किया है. तो मैं चाहती हूँ कि लोग वो पढ़ें और देखें कि मैंने क्या कुछ नहीं अचीव किया है लाइफ में. आपने बहुत सारी हिट फिल्में दी अपने ज़माने में, आपको सबसे पसंद कौन सी फिल्म है? ये तो बहुत मुश्किल है कहना, क्योंकि सब पिक्चरें जो मैंने काम किया है वो अच्छी लगी, इसलिए काम किया उसमें. मुश्किल है कहना. लाइफ में इस जर्नी में कभी ऐसा लगा कि बहुत डिप्रेशन फील हुआ है, कभी ऐसा कुछ मौका आया है? डिप्रेशन तो होता है, मतलब कोई कारण सर मुझे डिप्रेशन हुआ था वो आप किताब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा. अच्छा, आप अपने दर्शकों को क्या कहेगी अब? मैं अपने दर्शकों को कहूँगी कि आप मुझे चाहते रहें और इस तरह से चाहते रहें जब तक मैं हूँ. धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए. तर आशा परेख यांनी असंच म्हणले की ज्याप्रमाणे मला तुम्ही आत्तापर्यंत प्रेम दिलं असंही आम्हाला असंच इथून पुढेही मला प्रेम द्यायचं. हा व्हिडिओ जर्नल श्रीनिवासनसह मेघा कुशिक, झी मीडिया, मुंबई. झी 24 तास रहा एक पाऊल पुढे.